नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं खबर 24 न्यूज के इस मंगलवार स्पेशल रिपोर्ट में। आपने हनुमान जी की कई कथाएं सुनी होगी, हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, लेकिन हनुमान जी जो हम उनका नाम ही हनुमान जी लेते हैं, आखिर मारुति नंदन बजरंग बली का नाम हनुमान कैसे पड़ा, आज के इस मंगलवार स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता है जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंग बली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा, तो हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निंद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगने लगी। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका हुआ फल समझ रहे थे, वे तो सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने अपने वज्र से उनके मुख पर प्रहार कर दिया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे। वे उनके अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें, ऐसे उनसे आग्रह किया। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई और जिसके कारण उनका नाम हनुमान भी पड़ा। क्योंकि हनु को जब हम देखें, हनु का अर्थ होता है ठुड्डी, जिसको हम बोलते हैं, और उसके टेढ़े होने के कारण हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। पहले उनका नाम मारुति था, जो कि बचपन का नाम था। उसके बाद जब यह पूरा परिदृश्य हमारे सामने आया कि हनुमान जी एक फल समझकर सूर्यदेव को निगलने लगे, निगला, और उसके बाद में इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, और वज्र के प्रहार के कारण किस प्रकार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई और इसी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए खबर 24 पर लगातार बने रहिए, क्योंकि खबर 24 आपको लगातार धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक खबरों से हमेशा रूबरू करवाता रहता है। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।